और सब कैसे वीडियो में वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग F12 से क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो एक मिनट, ये तो नहीं सही है, दूसरे को मैंने स्क्रैम्बल किया हुआ है। तो आप कहेंगे मैं बस, तो ये जो क्यूब है ये थोड़ा सा खुला है और इसके अंदर तेल भी है, लेकिन ये तेल कह रहा हूँ ल्यूब है उसके अंदर, तेल कह रही है, लेकिन ये जो है इसके अंदर कुछ नहीं है। ये अकेला मैंने साफ किया है और इसमें क्या था, और ये वो भी है यार, ये वो भी है, तंग भी है। तो ये देखे, इसके ऊपर अगर मैं ट्रिक मारूँ ना तो बेड़ा गर्क इस क्यूब का हुआ पड़ा है। इसके ऊपर मारूँ तो इसका तो बेड़ा गर्क नहीं हुआ पड़ा। तो हम F12 करना शुरू करते हैं। पहले मैं बनाता हूँ प्लस, तो प्लस तो हमारा बन गया। तो अभी से F12 में चेंज करना है इसका हेडपीस। तो मैंने अभी कल ही सीखा, तो थोड़ी सी देर लग सकती है। आप ये ना समझना कि मैं इतना गंदा हूँ F12 में, मैंने अभी कल ही सीखा है इसलिए देर तो लगेगी भाई। अभी भी खराब है। एक मिनट, हाँ नहीं, अभी भी ख़राब है, अब सही हुआ है। तो ये हमने दूसरा भी लगा दिया। अब इसका एज पीस ये है, ये भी ख़राब है। तो अभी तो ये हो गया, तो ये तो भाई ये भी लग गया। और अब हम करते हैं इसको, तो ये भी लग गया। आखिरी रह गया तो उसका एज पीस, तो ये छुपा नहीं, उसका एज पीस ये रहा। तो ये तो अभी ठीक नहीं है, इसे मैं ठीक करता हूँ। तो ये अब ठीक हो गया है। तो F12 तो हमारा हो गया, अब लास्ट लेयर को हम सॉल्व करते हैं। तो क्यूब तो मना हो गया है साल। तो इस पे भी मैं आपको एक बार ट्रिक मार के दिखाता हूँ। ये है जो मैंने अभी साफ किया, इसके अंदर मैंने ल्यूब नहीं डाला। तो ये ऐसा क्यूब है और ये तो बकवास ही है। देखे ये वाला बकवास है, इसके अंदर ल्यूब है, ये देखे कितना बकवास है, ल्यूब गया हुआ इसके अंदर, फिर भी ये कितना बकवास है। तो इसे मैं आम तरीके से सॉल्व करता हूँ, आम तरीके जैसे हम करते हैं ना वैसे मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ये मैंने स्क्रैम्बल कर दिया, आम जैसे क्यूब सोल्व करते हैं ना मैं ऐसे वैसे करूंगा। तो ये ल्यूब वाला क्यूब है ना, अदला बदली ना हो रहा, वरना मेरी मम्मा मुझे अदला बदली कर देंगी, इसलिए मुझे इसके ऊपर गुस्सा चढ़ता है। ये देखें, इसके सारा कुछ निकल जाता है, इसकी भैंस की। ओ भाई, तो इसे हम तोड़ के जोड़ेंगे। आपसे मैं ये चीज भी शेयर करता हूँ अभी। तो
से तो मैं रखता हूँ इधर, और आपको ये नज़र आ रहा होगा, एक मिनट। तो अब आप देख सकते हैं वहाँ भी पता है। हाँ तो आपको ये नज़र आ रहा है, मैं इसे तोड़ के जोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अभी ये नहीं ना पता कि ऊपर लगना है नीचे लगना है इसने। इसे मैं पहले तोड़ लेता हूँ अच्छी तरह, इसलिए मुझे घटिया लगता है बहुत ही, मैग्नेटिक नहीं है ना। इसके बाद ना मैं आपको ना मास्टर मॉर्फिक्स 2x2 पर ना एक पैटर्न बनाना सिखाऊंगा। दस मिनट में बन जाएगा, आपको वीडियो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। दस मिनट भाई इतने ज़्यादा, दस मिनट नहीं, एक दो मिनट में बन जाएगा। असेंबल करते हैं इसे। तेरी एज पीस नीचे तो नहीं गिरा कोई? नहीं नहीं नहीं, नीचे गिरा होता मैंने कब का उठा लेना था। तो एक और एज पीस को, फिर बस ख़त्म, ये रहा। ओ भाई साहब आए, तो ये हमारा प्लस बन गया। अब मैं इसके कॉर्नर्स लगाता हूँ। ओ भाई इसे पकड़ना कितना मुश्किल हो गया, मैग्नेटिक नहीं है ना। काश मैग्नेटिक होता। अगली मैं वीडियो ना मैग्नेटिक के ऊपर बनाऊंगा, देखना। दो या एक या दो हफ्ते में वो वीडियो आ जाएगी। तेरी भैंस की, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा भाई, घटिया मिली जा रहे हैं। हाँ ये वो अगला भी गिर गया, वाह। ये पिछला भी गिर गया, वाह। अगला भी गिर गया, पिछला भी गिर गया। इसे मैंने पकड़ लिया कस के। आ भाई, ओ भाई, ए, ए, ओ भाई वाइट वाला बन गया, शुक्र है। इसे मैं ऐसे कर लेता हूँ, और अब ब्लू वाला बनाते हैं। तो पहला एज पीस, तेरी भैंस की, मिल जा, मिल जा। नीचे गिरा, नीचे ही गिरा, नहीं नीचे नहीं गिरा बे। ब्लू और ये मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो इसे मैं असेंबल, तेरी भैंस की। ओ भाई आए, तो अभी येलो बनाते हैं। तो वॉइस ओवर मैं करने लगा था, मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, ऐसे ही शेयर करते हैं। जिसको ना असेंबल करना है वो कर ले यहाँ से देख के। तेरी भैंस की, एंड वाला करना बड़ा मुश्किल है। ये मैंने फुल खुला किया हुआ, लेकिन अम्मा फुल खुला हुआ बड़ा है। इसे छोड़ो, पहले मैं ये वाला लगाता हूँ। ये लग गया ना, ये भी लग जाएगा उसे देख के। तेरी भैंस की, लग गया लग गया लग गया। तो आखिरी वाले दो रह गए हैं,
तो आखिरी ये देखे सारा बन गया, बस ये रह गया वो है ये, इसे भी मैं लगा देता हूँ। तो ये तो पूरा बन चुका है, ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो ये ल्यूब वाला है ना, और ये बगैर ल्यूब का, तो बगैर ल्यूब का उसे मैं रखाता हूँ। तो आज की इस वाली, ओ एक मिनट, वो पैटर्न भी तो बनाना था, चलो फिर बनाते हैं। तो मास्टर मॉर्फिक्स को तो मैं ले आया हूँ, अब इसके ऊपर बनाते हैं हम पैटर्न। आप कोई भी साइड चूज़ कर लें, और उसके आपने ना आर मूव करना है, आर टू ऐसे घुमा लेना, आर टू ऐसे ऐसे आपने करते रहना है, करते रहना है, आर टू करते रहना है, ऐसे घुमाते रहना है। और ये आपका एक मिनट, ये ग्रीन को ऐसे, तो ये आपका चेकर बोर्ड पैटर्न बन जाएगा इसके ऊपर। तो इसे आप ऐसे बैकवर्ड भी कर सकते हो। तो आज की इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। चैनल की हालत तो आप देख रहे हो, 14 व्यूज़ आ रहे हैं आप, प्लीज़ 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ कर दो, और हमारे 100 के सब्सक्राइबर पूरे करवा दो, करवा दो, करवा दो, बहुत गुस्सा।